म्हणजे गणपती आणायचा की नाही इथपासून ठरत होतं. एक भाषा में मैं बोलूंगा क्योंकि मैं लगातार फिर मराठी फिर हिंदी ऐसे नहीं होगा. सो कि भाई बड़ा भाई गुजरने की वजह से ज़रा इस बार गणपति लाए ना लाए सोच रहे थे, लेकिन फिर इस बार नहीं लाएंगे तो अगले बार लाएंगे, तो लाना तो है ही, तो चलो थोड़ा सा थोड़ी सी मायूसी तो होती है. जो बड़े भाई थे उनको मिस तो करते हैं और वो तो होगा ही, क्योंकि अंदर का सब वो जो है वो संभालते थे और फूल लगाने का काम मैं करता था. तो यहाँ आने के बाद पंडाल में तो उनकी कमी तो महसूस होगी, तो थोड़ी परेशानी होती है. देखेंगे कल से परसों से कैसे होता है. ये तो बड़ी धूमधाम से चलता है सब कुछ, शहनाई बजती है ये है, लेकिन इस बार और काफ़ी एक मतलब सिर्फ बड़े भाई नहीं, एक दूसरे भाई समान दूसरा हमारा एक दोस्त था. एक दिन ये गुजरे, दूसरे दिन वो गुजर गए. तो बाहर वो काम करते थे मेरे साथ फूल लगाने का, भाई अंदर करता था, तो वो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है थोड़ी. नाम फाउंडेशन का काम तो वो चलते रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की तकलीफें हैं, कभी बारिश नहीं है, कभी ज़्यादा बारिश है, कभी बारिश है फिर एक बार बोने के बाद फिर ये नहीं आ रहा, दोबारा बारिश नहीं हो रही है, तो वो दोबारा करने की बोना पड़ता है, तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो तकलीफें तो है, वो तो काम तो करते रहना पड़ेगा. हाँ, हम कभी किसी से मांगते नहीं है, अपने को जितना हो सके उतना हम करेंगे. मांगना मत, एक बार तुमको इंसान का जन्म दिया है बहुत हो गया, उसको परेशान मत करो बार बार कुछ मांग के. तुम जो कुछ कर सकते हो वो करो ना, मांगते रहोगे तो कैसे रहे चलेगा, है ना. ये हमारी जो आदत है सिर्फ मांगते रहने की, हम में ताकत है बहुत कुछ देने की, हम देने की सोचते ही नहीं, मांगते रहते, तो क्यों मांगे भाई. अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करते रहेंगे. भाई देखो, मैं जिसके ऊपर अन्याय होता है उसकी कोई जात नहीं होती, अन्याय करने वाला है उसकी कोई जात नहीं है. मैंने कभी जात धर्म माना नहीं है, लेकिन जो भी कोई गुनाहगार है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, वो कोई जात धर्म के हो, वो होनी चाहिए और जितने जल्दी हो सके. नहीं तो क्या होता है, सालों साल गुजरते रहते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं होती, गुजर जाते हैं. जिनके ऊपर अन्याय हुआ वो बेचारे राह देखते रहते हैं कि कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा. तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस है उनका हल जल्दी होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना निर्णय होना चाहिए. रही बात रैली की, मैं नहीं जानता, असंतोष तो होगा, जिस तरह से होता है वो मराठा है, दलित है, ब्राह्मण है, किसी पर भी जो अन्याय है तो अन्याय है, वो तो ऐसे थोड़ी है कि नहीं इसके ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर कम, ऐसा हम नहीं सोच सकते. हम बहुत जल्दी, हम जब कुछ हो रहा है घट रहा है तब हम आगे जाते नहीं हैं,
हमारी जिम्मेदारी बनती है जब हमारे सामने कुछ घटता है तो हमको आगे जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त हम कुछ करते नहीं। हमें एट्रोसिटी का जो है नहीं, ये कायदा रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ अभी अंदर जाके देखोगे वो मोदक जो है, जो मुसलमान बैठी है, वो हमारे यहाँ सामने जब झोपड़पट्टी थी वहाँ रहती थी, वो बना रही है। कौन किस कौन से धर्म का है, जात का है, मैं नहीं जानता, और ना तो आज तक मैंने मुझे आपने मुझे कभी मेरी जात नहीं पूछी मैं कौन हूँ, और ना तो मैं बताना चाहूँगा। भटक जाते हैं हम, मालूम नहीं है क्या सियासतदान जो है हमारे मेमने की तरह हमको फटकारते रहते हैं, हम यहाँ भाग रहे हैं फिर यहाँ भाग रहे हैं। अन्याय जात पर या इसके पर नहीं है, वो व्यक्ति पर हुआ है उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, उनको घर वालों के बारे में कोई नहीं बोल रहा, पुलिस पर जो अन्याय हो रहा है उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। बदतमीजी इतनी बढ़ने लगी है जब तक कड़ी की कड़ी से कड़ी सजा नहीं होती तो ये नहीं रुकेगा। डर लगना चाहिए हमारे कानून का, वो होता ही नहीं।